दोस्तों, अगर आप रोहित और राहुल को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना। दोस्तों, आज सीरीज के दूसरे T20 में रोहित और उनके साथ आए राहुल ने ऐसी धमाकेदार बल्लेबाजी की जिससे हर कोई दंग रह गया है। जी हाँ दोस्तों, रोहित, राहुल, सूर्या और कोहली ने कमर तोड़कर रख दी साउथ अफ्रीका की। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की सीरीज का दूसरा T20 मैच आज गुवाहाटी में शुरू हो चुका है। दोस्तों, आपको बता दें कि आज का यह मैच साउथ अफ्रीका के लिए करो या मरो का मैच है। वहीं भारत आज का मैच जीतकर इतिहास रचना चाहेगी दोस्तों, क्योंकि आज तक भारत ने साउथ अफ्रीका से एक भी T20 सीरीज नहीं जीत पाई है। लेकिन आज भारतीय बल्लेबाज इसी इतिहास को बदलने के लिए मैदान में उतरे हैं। दोस्तों, साउथ अफ्रीका के कप्तान बाउमा ने टॉस जीतकर बॉलिंग करने के लिए सोचा भारत को कम से कम रन में निपटा देंगे। लेकिन आज रोहित के साथ साथ सभी बल्लेबाज कुछ अलग मूड में मैदान में उतरे थे। दोस्तों, आज रोहित और राहुल ने जो किया उनका कोई अंदाजा तक नहीं लगाया था। दोस्तों, आज रोहित ने और राहुल ने 5 ओवर में ही बोर्ड पर 50-60 रन लगा दिए थे। दोस्तों, देखते ही देखते रोहित ने 7 चौके और 1 छक्के लगाकर 37 बार में 43 रन और उनके साथ राहुल ने भी 5 चौके और 7 छक्के लगाकर 28 बार में 57 रन जड़ दिए। उसके बाद महाराज की बॉल पर राहुल और रोहित आउट हो गए, लेकिन रनों का पहाड़ की शुरुआत कर दी थी। उसके बाद सूर्य और कोहली के आते ही रन बोर्ड पर भूचाल सा गया। कोहली ने 7 चौके और 1 छक्के लगाकर 28 बॉल में 49 रन और उनके साथ आए सूर्य कुमार यादव ने 5 चौके और 5 छक्के लगाकर 22 बॉल में 61 रन जड़कर भारतीय फैंस का दिल जीत लिया। दोस्तों, चारों बल्लेबाजों ने धुमाधार पारी ने बोर्ड पर 237 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया है। तो दोस्तों, साउथ अफ्रीका की टीम यह पहाड़ चढ़ पाएगी कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपको क्या लगता है दोस्तों, आज भारतीय टीम इतिहास रच पाएगी कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।